नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में 20 सितंबर को राहुल गांधी के साथ में दिखे थे बड़े अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई ने रेड मारी है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। वहीं पर दिल्ली के अंदर गवर्नर और सरकार के बीच में फिर से छिड़ी है जंग। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी की यात्रा में आने का भेजा था निमंत्रण। बताएंगे आपको कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, पूरी लिस्ट सामने आ गई है। इसी के साथ में किसान आंदोलन के दौरान किसानों की सेवा करने वाले व्यक्ति को लेकर मोदी सरकार की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने खेद व्यक्त किया है। बताएंगे आपको खेद व्यक्त करने का क्या बड़ा कारण है दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में अब तक का सबसे तगड़ा झटका बीजेपी के अपने नेता ने दिया है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के हुबली में रोड शो के दौरान सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे किसानों से मिलने, लेकिन जबरदस्त विरोध हो गया और उल्टे पांव वापस लौटाया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर चल रहे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, 2024 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन पंजाब के लुधियाना में चलती दिखाई दी है दोस्तों। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मात्र 5 घंटे तक चल पाई है और उसके बाद यात्रा रोक दी गई है दोस्तों। आज फिर से यात्रा आगे बढ़ने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए पंजाब के अंदर बढ़ रहे काफिले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। वहीं पर 20 दिसंबर 2022 को वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन दोस्तों 23 दिन के बाद उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ गई है। आपको बता दें कि सुप्रिया सिनेट जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि श्री मायाराम अरविंद जी के यहाँ आज बीजेपी के लोगों ने छापे मरवाए हैं। यानी 9 साल तक जो वित्त सचिव रहे हैं मायाराम अरविंद जी, उनके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कितनी घटिया बदले की भावना से ग्रसित हैं आप प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सवाल सुप्रिया सिनेट ने पूछा है दोस्तों। उन्होंने आगे लिखा कि पर सच्चे ईमानदार लोग आपसे आगे भी नहीं डरेंगे और अभी भी नहीं डरते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के साथ में मौजूदगी के बाद अंदेशा जाहिर किया जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे पचा नहीं पाएगी और कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, और 23 दिन के बाद कार्रवाई की गई है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया गया दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है और उनके मुंह पर पसीना आ रहा है। इस तरीके की जानकारी इस तस्वीर में देते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि सर्दी में गर्मी का एहसास, यानी प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं राहुल गांधी के टी शर्ट के बारे में और उन्हें पसीना आ रहा है। इस तरीके से पोस्टर छाप कर कांग्रेस पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान 21 विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर बड़ा मैसेज देने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि जिन पार्टियों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए श्रीनगर में आमंत्रित किया गया है, उसमें जिन पार्टियों का नाम है दोस्तों, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों को आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों को बुलाया गया है। वहीं पर रालोद, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एडीएमके, वीसीके और आईयूएमएल, केसीएम और आरएसपी को बुलाया गया है दोस्तों। भेजे गए लेटर में लिखा गया है कि मैं अब आपको 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण भेजता हूं। जेडीयू के पूर्व नेता और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव को भी न्योता भेजा गया है दोस्तों। खड़गे ने आगे लिखा है कि भारत इस समय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। जब संसद और मीडिया में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी यात्रा सीधे लोगों से जुड़ रही है। हमने यात्रा के दौरान देश की मुद्रा स्फीति को प्रभाव करने वाली गंभीर मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन, लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किए जाने और देश की सीमाओं पर मंडरा रहे खतरे को प्रमुख मुद्दे के रूप में आगे रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो आमंत्रण भेजे गए हैं, देखते हैं कौन कौन से लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। जो उम्मीद जाहिर की गई है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कम से कम 15 पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं पर केंद्र सरकार ने अमेरिकी व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा है। गौरतलब है कि उन्हीं धालीवाल को किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा लंगर लगाने के चलते अक्टूबर 2021 को दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित यानी देश से वापस भेज दिया गया था दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण
के दौरान धालीवाल को पुरस्कार प्रदान किया, यानी जिस व्यक्ति को किसान आंदोलन के दौरान देश में नहीं आने दिया गया था दोस्तों, उन्हें पुरस्कार से मोदी सरकार ने सम्मानित किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि तकरीबन एक साल के बाद मोदी सरकार ने कैसे अपनी नीति बदल ली है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी बयान देते दिखाई दिए दोस्तों। उन्होंने इस दौरान कहा कि धालीवाल जी को वापस लौटाना हमारी भूल थी, तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि साल 1999 में भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस दौरान सुषमा चुनाव हार गई, लेकिन यहां उन्हें मिले गली करुणाकार रेड्डी, गली जनार्दन रेड्डी और गली सोमशेखर रेड्डी। इसके बाद लगातार 10 साल तक हर साल सुषमा बेल्लारी के वारा महालक्ष्मी में पूजा करने के लिए जाती थी। रेड्डी भाई सुषमा को थाई यानी माँ कहकर बुलाते थे। अब कुछ दिन पहले ऐसा नजारा देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी और जनार्दन रेड्डी के बीच में तलवारें खिंच गई हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसका नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा गया है, यानी कि RPP उनकी पार्टी का नाम है। उनके दो विधायक भाई करुणाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी फिलहाल बीजेपी में है। उनके खास दोस्त श्री रामलू भी कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार के मंत्री है। तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा मजबूत जनार्दन रेड्डी कारोबार के हेड है, और ऐसे में अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जितने भी कैंडिडेट छांट दिए जाएंगे, यानी जितने भी विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा या जितने भी लोग बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उन सभी को जनार्दन रेड्डी अपने साथ में लाकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यानी दोस्तों ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट की जगह इस बार क्वाड्रिलेटरल कॉन्टेस्ट होने वाला है, यानी चार खेमे में वोट बटने वाले हैं। एक और जनार्दन रेड्डी की पार्टी, एक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी होगी दोस्तों, और चौथी पार्टी होगी JDS। इन्हीं के बीच में सीधा मुकाबला होने वाला है, यानी भाजपा के वोटों का बंटवारा पूरी तरीके से तय दिखाई दे रहा है। वहीं पर बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। अब इस मामले में पहले से चल रही याचिका समेत दर्जनों अर्जियों पर 20 जनवरी को सुनवाई तय की गई है। पेश याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए जारी 6 जून 2022 की अधिसूचना को रद्द किया जाए। याचिका में कहा गया है कि जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में आता है, केवल केंद्र सरकार के पास इस कवायद को आयोजित करने की शक्तियां है। ऐसे में दोस्तों इस मामले पर सुनवाई होगी और क्या कुछ अंतिम फैसला लिया जाएगा आप तक लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के हुबली में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की नई जानकारी सामने आई है। हुबली में रोड शो के दौरान एक शख्स प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के करीब आ गया और अपने हाथ में माला ले रखी थी, वो माला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोस्तों सुरक्षा कर्मी ने युवक को हटाने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर ये युवक प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया था, जिसके बाद इस मामले पर काफी चर्चा हुई कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी कैसे की गई दोस्तों। लेकिन इस मामले पर चर्चा से इतर एक और बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो रोड शो कर रहे थे उस दौरान दोस्तों भारी संख्या में लोग रोड के दूसरी पार दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो एक लंबा चौड़ा नोटिस केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहुल गांधी को दिया था और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर लगाने के लिए, रैली के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जो रोड शो कर रहे हैं और इसमें मास्क लगा हुआ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने गाड़ी के गेट पर खड़े हैं और उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है, तो क्या कोरोना बीजेपी की रैली पर लागू नहीं होता दोस्तों? ये गंभीर सवाल एक बार फिर से खड़े किए गए हैं, यानी सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के यात्रा को रोकने के लिए शायद हर संभव प्रयास कर रही है और इसीलिए शायद मंत्री जी अपने सारे काम छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर शायद कोई गाइडलाइंस लागू नहीं होता और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं उनमें से भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। वहीं पर बिहार के बक्सर के अंदर मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के प्रदर्शन में किसानों से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले पर पथराव की खबर आई है। बता दें कि अश्विनी चौबे मुआवजे की मांग करने वाले किसानों से मुलाकात करने के लिए गए थे। मौके पर पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसान उग्र हो गए, काफिले के आसपास मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे दोस्तों। इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसका विरोध कर रहे लोगों ने काफिले का कुछ देर तक पीछा भी किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चौबे बुधवार को बक्सर के चौसा के बनारपुर पहुंचे थे, जहां पर किसानों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। नाराज किसानों ने काफिले पर पथराव भी किया है, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इससे पहले बंगाल के मालदा के अंदर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का विरोध किया गया था और अब बिहार के अंदर विरोध किया गया है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर जयललिता जिंदा होती तो राज्यपाल मार खाए बिना यहां से नहीं निकलते, यानी तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल और DMK सरकार के बीच में छिड़े घमासान को लेकर ये टिप्पणी सामने आई है। दरअसल दोस्तों DMK और राज्यपाल के बीच में छिड़े संघर्ष के
बीच संगठन के सचिव आरएस भारती ने बोला कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जीवित होती तो बिना पीटे यहां से नहीं निकलते गवर्नर, यानी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विवाद कितना आगे बढ़ गया है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा।